मैंने सबूत दिए थे आपको, वो खेती के कपड़ों में प्रतिबिंब की नथ, पर आपने मारा विश्वास ही नहीं किया। अब देखो अपनी आंखों से देखो इन दोनों की असलियत। दोनों काम के बहाने यहाँ पर रंग रलियां मना रहे हैं। बस बस, क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं आप? केडी जी प्लीज, ये मेरा परिवार है, मैं बात करती हूँ। देखा सासू माँ, देखा आपने, इतनी बातों को पति भी अपनी पत्नी की नहीं सुनता जितने ये इसकी सुन रहा है। इसने एक बार बोला और इसने अपने मुंह पर ताला लगा लिया। जैसा आप लोग सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। वो ऐसा कि सिर्फ एक हादसा है। हम दोनों आपके कमरे को सजाने आए थे, पलंग पे चढ़ के पंखे पर जब हम फूल की माला लटका रहे थे तो अचानक से पलंग टूट गया। बस और कोई बात नहीं। बेवकूफ समझा क्या हमें? बुआसा, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना कि मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है बुआसा, आंखों देखी पर नहीं, अपने दिल पर, आपकी प्रीति बिंदनी पर तो थोड़ा सा विश्वास है आपको। हम यहाँ सिर्फ काम करने आए थे और कुछ भी नहीं हुआ। अंदर से दरवाजा बंद कैसे हुआ? अगर तू काम करने के लिए आई थी तो दरवाजा बंद करने की जरूरत क्या थी? हम दोनों को नहीं पता कि दरवाजा कैसे बंद हुआ। हम सिर्फ काम करने आए थे और वही कर रहे थे। सासू माँ, सवाल जवाब की जगह ही कहाँ बची है? और चोर कभी पकड़े जाने के बाद ये मानता है कि उसने चोरी की है? भाई साहब गलत समझ रहे हैं, ये सब एक गलत फहमी है और कुछ नहीं। बुआसा, आप तो मुझ पर विश्वास करती है ना? शादी के पहले दिन से लेकर आज तक आपने मुझे देखा है, मुझे समझा है। मैं ऐसा गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती बुआसा। आपको मुझ पर विश्वास है ना? बोलिए ना बुआसा। माना बीनी कि तू सच बोल रही है, आंखों देखा सब झूठ है, गलत फहमी भी हो सके है, पर एक बात बता मारे को कि थारी नथ केटी जी के कपड़ा में कहीं आई है? हैरान हूं मैं तो प्रीति जी को बस कुछ ही महीनों से जानता हूं, लेकिन इन पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं। आपको तो बुआ साहब प्रीति जी ने अपनी मां का दर्जा दिया है, फिर आप इन पर विश्वास नहीं कर पा रही? मेरे कपड़े पे इनकी एक नथ लग जाने से अब तक की उनकी सारी मेहनत, उनकी निष्ठा, उनकी सेवा, आपके लिए सम्मान, प्यार, सब कुछ भुला दिया।
एक नथ इतनी भारी तो नहीं हो सकती है बुआ साहब कि आप प्रीति जी पर सवाल खड़ा कर दें। अरे नथ तो कपड़े में कहीं भी लग सकती है, कैसे भी लग सकती है। फंक्शन में डांस करते वक्त, साथ में काम करते वक्त, आते जाते कैसे भी लग सकती है। ऐसे में प्रीति जी के चरित्र पर सवाल उठाना क्या ठीक होगा? मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। प्रीति जी और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक गलत फहमी है। हम पार्टनर्स हैं, सिर्फ पार्टनर्स हैं और कुछ नहीं। जी दादी साहब, मैंने देखा है इन दोनों को काम करते हुए पूरे मन से, और ऐसी चीजें तो काम करने में हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी केटी जी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी दूसरी औरत को गलत नजर से देखे। ये कितना मीठा मीठा बोले, सब कुछ इसी का किया, दरा लगे मारे को, कितना नीचे गिर सके ये लुगाई, अपनी माँ समान सास के चरित्र पे दाग लगवा दिया। ये दरवाजा बंद हो जाना, ये पलंग का टूटना सिर्फ संजोग तो ना हो सके। दादी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं समस्या का समाधान दे सकती हूँ। केटी जी, आप एक बार अपनी वाइफ को कॉल कर लीजिए। एक आदमी के चरित्र की गारंटी उसकी बीवी से बेहतर कौन दे सकता है। आप मेरी शादी के बारे में जो जानती हैं या जो सोचती हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी शादी के 2 साल के बाद मुझे छोड़ के चली गई थी। आप एक बार अपनी बीवी को कॉल कर लीजिए, वो यहाँ सबसे बात कर लेंगे, बता देंगी सबको कि आप कितने अच्छे हस्बैंड हैं, कितना प्यार करते हैं उनसे, तो यहाँ सबकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी और ये बात यहीं के यहीं खत्म हो जाएगी। हाँ केटी जी, आप अपनी वाइफ को फोन लगाइए ताकि सबको तसल्ली हो जाए। वासा, आप खुद इनकी पत्नी से बात कर लीजिए और जान लीजिए कि इन दोनों के बीच कितना प्यार है। आपका जो विश्वास डगमगा है वो भी सही हो जाएगा। केटी जी फोन लगाइए। ना ना बुआ साहब, फोन लगाने की काहे जरूरत है, अंदर की बात है, उनकी पत्नी से काहे बात करना। आंटी जी, अगर केटी जी के एक फोन कॉल करने से मम्मी जी पे लगा इतना बड़ा लांछन हट सकता है तो इसमें दिक्कत क्या है? और मुझे नहीं लगता केटी जी को कोई प्रॉब्लम है। केटी जी, आप प्लीज एक बार कर लीजिए। नहीं है वाइफ, वाइफ नहीं है मेरी। किटी सर, आपकी वाइफ नहीं आई? वो लंदन में। वाइफ नहीं है मतलब? किटी जी, समझ नहीं आया, आपकी बीवी मम्मी जी ने तो कहा था कि आप अपनी शादी में बहुत खुश हैं। मम्मी जी ने झूठ कहा था? केटी जी, अगर आपकी बीवी नहीं है तो लंदन में बच्चों के साथ कौन?
17 साल हो चुके हैं। 17 साल पहले मैं और मेरी पत्नी अलग हो चुके हैं। केटी सासुमा, देखो इनकी कार स्थानी। ये दोनों मिलकर हम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और किसी को शक ना हो इसलिए इन लोगों ने बहाना बनाया कि केटी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, वो बहुत खुश है, उसके बच्चे लंदन में रहते हैं, जबकि उसी पत्नी को उसको छोड़े हुए जमाना हो गया। और ऐसे आदमी के साथ कोई रहेगा भी कैसे, इतना घटिया आदमी है ये। और ये प्रीति, इसको जो आपने आजादी दी ना, उसका इसने भरपूर फायदा उठाया। औरत से अपनी इज्जत ना संभलती, उसे संभालने के लिए पति या भाई की जरूरत होती है। और प्रीति तो ठहरी अकेली, और ऊपर से छूट मिल गई घर के बाहर जाकर ऐश करने की, तो फिसल गया पैर। भाई इंसानी तो है, तो देवी देवता थोड़ी ना है जो पांव ना फिसल सकते। सासू मां, अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी कि प्रीति ने काम के बहाने केटी के साथ चक्कर चला रही है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बस भी नहीं। थारी आत्मा ने एक बार भी थारे को ना टोका जी करता हो, मारे घर आकर मारी शादी की सालगिरह में मारा ही दिल तोड़ दिया, थारे को जरा भी शर्म नहीं? रे छूट गया, बोल दी तू केटी के ब्याह के बारे में, अपने खानदान की इज्जत का थारे को जरा भी ध्यान ना रहा? बुआसा, केटी सा के ब्याह के बारे में प्रीति को कुछ नहीं पता था। केटी सा ने मारे को बताया था, और मारे से वादा लिया था कि मैं प्रीति को बता दूंगी, पर तू तो एक ही पक्की सहेली है ना? ना, मैं साची बोलूं। तू तो तरफदारी ही करेगी ना इसकी? मासा, बाहर मेहमान प्रीति के सम्मान में जो आप कहना चाहती है उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। जी। कितने अरमाना से सम्मान रखा था मैंने मारी प्रीति भीनड़ी का, पर दुनिया ने तो ना बता सकू ना कि आज मारी प्रीति भीनड़ी ने मारा भरोसा तोड़ दिया। पथारे से तो कहूंगी कि आज मारी प्रीति भीनड़ी मारी नजरा सू गिर गई है।
चलो दुनिया के सामने झूठा सम्मान कर लेते हैं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।